आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को होल डे एक वॉमिट का फीलिंग रहता है, मतलब उल्टी होती नहीं है लेकिन उनको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे उन्हें वॉमिट होगा, और टंग के लेवल पे और गले के लेवल पे और जो आपका चेस्ट वाला रीज़न है, कई बारी जलन भी होती है और कई बारी वॉमिट की फीलिंग के साथ साथ ना काफ़ी इरिटेटिंग रहता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा कफ भी डेवलप हो जाता है। तो आखिर ये क्यों होता है, और उल्टी की फीलिंग होना, मन ख़राब होना, जी मिचलाना, इस तरह का कुछ रहता है, तो आखिर ये नौजिया की जो फीलिंग है क्यों डेवलप होती है और वो क्यों सस्टेन करती है। तो आज हम बात करेंगे कि क्रॉनिक नौजिया क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, और फिर हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। यदि अभी तक भी आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आई कैन वेल हिट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आई एम ए पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड आई एम कैरिंग द नियर अबाउट द 18 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने को अपडेटेड रखें, और यदि आपके पास प्रिवेंटिव नॉलेज है, यानी आपके पास चीज़ों की जानकारी है अपने खाने की और आपके जो बॉडी के अंदर सिम्टम्स हैं, तो आप काफ़ी प्रॉब्लम से बच सकते हो, और बीमार होने से पहले फर्स्ट स्टेज में सिम्टम्स आने पे आप उनके साथ डील कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर इस तरह से उल्टी की जो फीलिंग आती है या फीलिंग बनी रहती है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं। देखो, मोस्ट कॉमन जो रीज़न है हम उसको जान लेते हैं। गर्ड का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है नाउडेज़, और कोविड के बाद, क्योंकि लोगों ने लगभग 2 साल घर में ही गुजारे, आउटिंग बहुत कम हुई, एक्सरसाइज नहीं हुई, लोग घर में ही रहे, एक ही पॉस्चर में रहे, लोगों ने घर से ही काम किया, तो उसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है एसिड रिफ्लेक्स। यानी एसिड का जो रिफ्लेक्स है, आप पेट के ऊपर वाले हिस्से में एसिड का रुक जाना, या पेट से जो फूड पाइप है उसमें एसिड का रिफ्लेक्स होना या बने रहना, ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है गर्ड। गर्ड एंड एसिड रिफ्लेक्स इज ऑलमोस्ट इज कॉमन, बट रिफ्लेक्स की जो प्रॉब्लम है, यानी एसिड का जो ऊपर की तरफ बफर करना है, ये एक मोस्ट कॉमन रीज़न है। उसके बाद है कि भाई यदि प्रेगनेंसी है तो भी कई बार ये कंडीशन सस्टेन होती है, बट प्रेगनेंसी वाली जो कंडीशन है वो टेम्परेरी है। यदि हेल्थ कंडीशंस बेटर होगी और फूड को यदि 4 बार में थोड़ा थोड़ा करके खाया जाए, और प्रेगनेंसी में भी यदि फिजिकली एक्टिव लाइफ लाइक योगा करें या फिर कुछ स्पेसिफाई एक्सरसाइज हैं वो करें, और लिक्विड इनटेक प्रॉपर रखें, तो उसको डील कर सकते हैं। फिर कुछ मेडिसन्स होती हैं जो गायनी से आप पूछ के ले सकते हैं। उसके बाद आता है वॉर्म्स। यदि आपके पेट में कीड़े हैं तो भी आपको ये फिर उल्टी की फीलिंग बनी रहेगी। यदि पेट में कीड़े हैं तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी, पेट में हल्का सा दर्द होगा, एंड द वॉमिट की जो फीलिंग है वो कंटिन्यूसली सस्टेन करेगी। तो यदि आपको वॉर्म्स हैं तो भी ऐसा होगा। यदि आपको वॉर्म्स हैं तो फिर आप एक एल्बेंडाजोल यानी जेंटल 400 mg 1 टैबलेट आप रात को ले सकते हैं, दैट विल डील विद योर वॉर्म्स। तो उससे फिर आपकी जो फीलिंग है वॉमिट की, नौजिया की, वो कम हो जाएगी। कोई भी अंडरलाइन इन्फेक्शन लाइक गैस्ट्राइटिस या फिर एच पायलोरिक या फिर दूसरे इन्फेक्शंस या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन, ये सब हैं तो भी आपको नौजिया वॉमिटिंग की फीलिंग बनी रहेगी। वायरल हेपेटाइटिस, टाइफाइड, या फिर आपको यदि पेनक्रेटाइटिस है तो इसमें भी आपको नौजिया की फीलिंग रहती है, वॉमिट की फीलिंग रहती है, बट इसमें देखा जाता है कि हल्का पेन भी आता है आपको टाइफाइड में या ई कोलाई में, यानी जो पेशाब वाले इन्फेक्शंस हैं यदि वो लंबे खिंच जाएँ तो उसमें भी इस तरह की कंडीशन डेवलप होती है, और टाइफाइड के अंदर भी एक वॉमिट फीलिंग आती है, खाने में टेस्ट नहीं आता, खाना अच्छे से नहीं पचता। उसके बाद आता है आपका ब्लोटिंग बाई एनी रीज़न। ब्लोटिंग मतलब यदि आपको पथरी है या पेनक्रियाज में स्वेलिंग है या फैटी लीवर है या अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ है या वायरल हेपेटाइटिस है, तो आपको ब्लोटिंग डेवलप होगी और उससे फिर आपको नौजिया वोमिटिंग डेवलप होगी। कई बार नौजिया वोमिटिंग वोमिटिंग हो भी जाता है। कॉन्स्टिपेशन, यदि आपको कब्ज़ रहता है तो होल डे आप वॉमिट फील करेंगे और फुलनेस फील करेंगे। ओवर ईटिंग, फूड एलर्जी एंड द फूड इंटॉलरेंस। ओवर ईटिंग एक बहुत बड़ा कॉज है इसके पीछे, प्लस फूड एलर्जी। फूड एलर्जी से मतलब है कि देर आर एन नंबर द फूड जो इंसान को नहीं डाइजेस्ट होते या सूट करते, लेकिन फिर भी हम वो रेगुलर खाते रहते हैं, तो उसमें आप पर्सनलाइज अप्रोच से पहचान कर सकते हैं।
जैसे कि एग है, उसके बाद आपका मटन है, उसके बाद आपको कुछ बीन्स दालें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, कुछ लोगों में मिल्क इंटॉलरेंस भी देखा जाता है, तो इन सब से आप बचिए। या फिर आपके जो आउटसाइड फ्राइड फूड हैं, पैक्ड फूड हैं, वो एक रीज़न हो सकते हैं। तो आपके फूड के साथ अपना एक पर्सनलाइज अप्रोच डेवलप करिए और एक हफ्ते के लिए एक फूड आप स्टॉप करके देखिए। यदि आपको अच्छा बेटर फील होता है तो फिर वो इस फूड आप स्टॉप कर दीजिए। लाइक एग मत खाइए एक हफ्ते, फिर नेक्स्ट वीक में आप एग और मिल्क मत लीजिए, और फिर नेक्स्ट वीक में आप मटन एग ये तीनों चारों बंद कर दीजिए। तो फिर आप एक पर्सनलाइज अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने फूड को मैनेज करिए। यदि फिर भी ये चीज़ें बनी रहती हैं, नौजिया वोमिटिंग, तो आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, अपने सिम्टम्स को बताना चाहिए। तो फिर हम अंडरलाइन कॉज को देखेंगे और अंडरलाइन कॉज को देखने के बाद हम आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे आप ठीक भी हो जाते हैं। कुछ केसेस में एंटासिड हो सकता है, सुबह खाली पेट, एम्प्टी स्टोमक, जिसे हम गैस का कैप्सूल कहते हैं। कुछ केसेस में कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ हेल्प करेंगी, कुछ केसेस में एंटीबायोटिक थेरेपी, यदि आपको इन्फेक्शन है तो वो दिया जाएगा। तो लेकिन ये पर्सनलाइज अप्रोच होगा, ऐसा नहीं है कि एक कोई दवाई है मैं आपको बता दूं और उससे आपका नौजिया वॉमिटिंग बंद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योर सेल्फ।